मैं यहाँ इतने सारे पैसे भर के फिल्म स्कूल आई हूँ और तुम मुझे टिकटॉक बनाने बुला रहे हो? Never been done before in India. Bringing together India's most popular, biggest, baddest, literally the baddest YouTubers, Fame House. Goa se location badal ke hum laaye hain Fame House ko right here in Gurgaon. Kyunki hamara budget kafi high hai. Dekho, mera channel acha khasa chal raha hai. मैं 2 मिनट की मैगी खाती हूँ, 10 मिनट का वीडियो बनाती हूँ और मेरे को व्यूज आ जाता है. ठीक है, तो इन सब कामों के लिए प्लीज मेरे को मत बुलाओ. अगर 5 एपिसोड्स को आप एक सीजन कह सकते हैं तो फिर तो ये पूरा एपिसोड ही एक सीजन है. ले, मेरा नाम रिजवान है, लोग मुझे जोकर भी कहते हैं एंड जो मेरे हेटर्स है वो मुझे मुंह बनाने वाला भी कहते हैं. आपने देखे होंगे मेरे जो फेमस टिकटॉक्स है वो काफ़ी वर्ल्ड फेमस है. मतलब मुंबई के बाहर देखा जाए तो गोवा, दिल्ली, मुंबई नहीं हो गया क्या. तो यहाँ पे आने की सबसे बेस्ट चीज़ है कि हमको यहाँ पे लोगों के साथ कोलाब करने को मिलता है. हम यहाँ पे इन पर्सन लोगों को DM फॉर कोलाब बोल सकते हैं और कोलाब करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डांस आना चाहिए. इसने बोला मेरा छोटा है, इसने मेरा छोटा है बोला. मतलब सही बोला है लेकिन ऐसे कैसे बोल दिया? साथ में मूतने के लिए उसको मैंने पूछा था तो साथ में मूतेगा तो सबको बताएगा क्या? छोटा है. अबे तूने छोटा किसको बोला भाई? सच कैसे बोल दिया तूने? मुंह से? अरे तो फैक्ट हो गया भाई. फैक्ट हो गया ये तो. ओए फाड़ दूंगा, चिल्ला कैसे रहा है? ए फाड़ दूंगा बोल रहा, चिल्ला कैसे रहा है मैं? मुंह से. अरे तो तू फिर से फैक्ट. तो फैक्ट बोल देता है भाई. ना चिल्ला ये. मेरा नाम स्वाति है. आपको देखने में तो लग रहा होगा कि मैं बहुत यंग हूँ बट मैं 50 की तो आराम से हूँ. हाँ, होस्ट भी मैं ही हूँ क्योंकि हरियाणा का सेक्स रेशियो. मेरा एक हस्बैंड भी है, एक ही है, उसको तो मैं घुसेड़ मार देती हूँ एकदम. हमारे यहाँ वैसे उसे BDSM कहते हैं, बहुत थर्ड सेक्स में. मेरा नाम विशाल है और मैं एक एक्टर हूँ. मेरे में इसके अलावा और कोई टैलेंट तो नहीं है पर मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है और मेरे को गुस्सा तो आता ही नहीं है. मैंने देखा, छोड़ दिया मैंने गुस्सा होना. मैं बहुत ही अच्छा एक्टर हूँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ एक्ट किया है कि मेरे फ्रेंड्स हैं. तो नेक्स्ट अप हमारे टैलेंट राउंड में आ रहे हैं अपना जलवा दिखाने, आपके दिलों की धड़कने बढ़ाने, द वन द ओनली आशिका. Yes. मैं आशिका का भाई अशोक भाटिया. ये अब देखो आशिका तो एक बार कर चुके फेम हाउस तो जरा यहाँ जलवा दिखाने हम आ गए हैं. तो ये है हमारे आशिका भाटिया के बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही टैलेंटेड भाई अशोक भाटिया. तो गाइस मेरा नाम है अशोक भाटिया एंड वैसे तो मेरी बहुत ही वायरल वीडियोस है ऑनलाइन, आपने काफी देखी होगी. मैं तुम चूजो जैसा अनपॉपुलर तो हो नहीं, काफी वायरल वीडियोस है मेरी, स्पेशली आपने एक दो तो देखी होंगी. नहीं यार, किसी ने एक तो देखी होगी. एक तो हाँ बोल दो यार. हाँ 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 वो. हेलो जी, मेरा नाम सरदार सिंह है जी. मुझे फेमस में आना था जी. मुझे भी सब क्रिएटरों के साथ जरा कोलैब शोलैब से करते थे जी. मैं फेमस में आने लगा, दिल्ली मुझे कोड हो गया जी. मैं आने लगा जी फेमस में तो फेमस वाले मुझे कहते हैं वीडियो कॉल कर लो. अब बताओ जी, इस बंदे को फेमस बनाना, वीडियो कॉल में क्या करें? पर चलो, इन्होंने मुझे पार्ट समझा, हिस्सा समझा मेरे को. अपने कर लेंगे वीडियो कॉल पे, पूरा इनको योगदान देंगे. ओ बैंड के लड़े गंजे, तो मेरे साथ कोलैब कैसे नहीं कर रहा है भाई? तू स्क्रीन में है, मैं तेरे साथ कैसे कोलैब करूंगा? तू बैंड जो स्क्रीन से कोलैब कर. अरे भाई आराम से भाई. तू ना आराम से बोल मेरे सामने, ऐसे बोलूंगा तेरी गांड मार दूंगा गांड. ऐसे बोल. हाँ तो मैं सही में मार दूंगा. सही में? हाँ भाई, आजा स्क्रीन में से कोलैब करते हैं भाई, आजा.
कैसी बातें कर रहा भाई? आ जा ना, चुपसा के लगाऊंगा, आ जा। क्या? आ जा। ओ नहीं भाई। तो मेरा नाम तारिक है और मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मैं फोन से फोटोज खींचता हूँ। आपने मेरी काफी सारी फोटोज देखी ही होंगे क्योंकि मैं बहुत अच्छी फोटोज खींचता हूँ। उनमें से कुछ ये रही। तो आप देख ही सकते हैं कि मैं कितना अच्छा फोटोग्राफर हूँ। आई एम द बेस्ट। अरे कैमरा का आईएसओ तो ठीक है ना तुम्हारा भाई? ये सबसे यार शॉट दो आप। यार ये ऐसे कैसे शूट कर रहे हो? एक बार रुको, इसको ऐसे करो। एस यस। अरे मालूम है एक कैमरा कैसे टच कर रहा है दूसरे का? वो कह रहा है छोड़ मैं नहीं करता है, बंद करो। आप यहाँ फेम हाउस में यूनिवर्स के सबसे बड़े क्रिएटर्स मिलके इस यूनिवर्स की सबसे चैलेंजिंग गेम्स खेलने वाले हैं, तो देखते हैं कि इनका क्या कहना है। तारिक आप बताइए, इतने गर्म माहौल में आपको कैसे लग रहा है? आप अपना कंपटीशन कैसे दिखाने वाले हैं? कभी शेर को देखा है प्लान बनाते हुए? ठीक है, मैं ना तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार ना एक जंगल में एक शेर था, ठीक है, उसके आसपास बहुत सारे जानवर थे, तो उसने सोचा कि चलो रेस कर, ठीक है। तो रेस पे बहुत सारे शेर, हाँ बहुत सारे कुत्ते आ गए, मैं एक और टिक लेता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि वो एक रेस करते, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। शेर वहीं सोता रह गया, सारे घोड़े आगे चले गए, ठीक है। और उसके बाद सारे कुत्तों ने शेर को काट, मैं एक और टिक लेता हूँ, कुत्तों ने शेर को खा, मैं एक और टेक लेते, एक और टेक, ठीक है। ये है फेम हाउस का आखिरी राउंड। चलिए पता लगाते हैं कि इस बहुत ही चैलेंजिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बहुत ही हॉट एंड टेंटिंग प्रतिभागी अपना कमाल कैसे दिखा रहे हैं। चिड़िया उड़, पिजन उड़, यूट्यूब से वीडियो उड़। तो मेरी उड़ी क्या? Hey, feel I'm in a move for a switcher. I hit the function, hit the rose right till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Feel I'm in a move for a changer. I leave the city and return with my changer. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Ye hai Fame House ka finale. हमारे पास बचे हैं दो कंटेस्टेंट्स, जोकर और मिस्टर एक्टर। मैं बताऊंगी अब आप सबको कि कौन है हमारे फेम हाउस का विनर। एंड द विनर इज जोकर। आपको कैसा लग रहा है, आप जीत गए हैं? तो बताइए विशाल, आपको कैसा लग रहा है कि आप फेम हाउस में सेकंड आए हैं? कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं आ रहा है मुझे। You're sure आपको ज़्यादा भी बुरा नहीं लग रहा कि आप फेम हाउस जीते नहीं हैं, आप सेकंड आए हैं? Shawty say she love the way we do it with me.
clip.